हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? जैसे कि आप देख चुके थे कि हम लोग रिटर्न हो लिए थे भाई के घर से, भाई दूज पर हम लोग आ गए थे घर पे, और हमने चेंज भी कर लिया है और काफ़ी रिलैक्स मिला है हमें, और वहाँ पे भी हम सब लोगों से मिले, बहुत मज़ा आया हमको। और यहाँ पे अपने अपने कार्यक्रम चल रहे हैं लोगों के। भाई सी, ये मैडम अपना फ़ोन चला रही हैं, आप देखो कितना बिजी हो गई है लाइफ लोगों की फ़ोन में, है ना। और इधर आप देखोगे तो गोलू मैडम भी यहाँ बैठी हुई हैं। हाँ जी, ये देखिए तो ये भी यहाँ पे बैठी हुई है। तो अगर मैं भी बैठ जाऊँ तो मतलब काम कैसे होगा यार? मैं वहाँ से आई हूँ तुम लोगों से मस्ती करने के लिए, बात करने। अभी मैं तुम्हारे पास हूँ तो मतलब कुछ भी इंजॉय नहीं, मतलब फोन में, मतलब ये क्या लाइफ है यार? यहाँ पे आए हो फिर भी फोन में लगे, मतलब कोई मतलब ही नहीं है, फोन में ही लगे पड़े हैं। तो जी गाइस, यहाँ पे दीदी लेटी हुई है, आप देख सकते हो, और उन्होंने बोला है कि आपके हाथ का पुलाव खाना है, मेरे हाथ का पुलाव खाना है एक्चुअली। तो खुद तो ये आराम से लेटी है, मैंने कहा आज आप कुछ मत करो, आप रेस्ट करो। तो मैं जा रही हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ आज मटर पुलाव। मैं आपको दिखाती हूँ गाइस कि आज कैसे कशिश चावला दीदी की किचन में बनाती है पुलाव। यहाँ पे मैंने राइस को कर लिया है और यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स आप देख सकते हो, मैंने सारी फ्राई कर रही हूँ मैं, जिसमें है मटर है, आलू है, मटर है, आलू है, टमाटर है और अनियन है, और रवि मसाला इसमें फ्राई हो रहा है गाइस। और यहाँ पे है हमारा ये पनीर, इसको मैं कट कर लूँगी। तो जी गाइस, इसमें मैंने पीस कट कर लिए हैं, आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा पीसेस अच्छे नहीं लगते मुझे पुलाव में, तो मैं ये डाल देती हूँ इसमें। तो जी गाइस, आप फाइनली देख सकते हो मसाला जो है वो ऑयल छोड़ने लगा है, ये देखिए। ये हम इस राइस को डाल देंगे, मैं डाल दूँगी राइस, और गाइस इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। और जी गाइस, मैंने लगा दिया है कुकर, अब अभी हम वेट करेंगे कुकर की सीटी का। तो जी गाइस, मेरे कुकर में सीटी आ चुकी है। यस, आई आई आई, 1 2 3, फाइनली आ गई है। जी गाइस, इसमें सीटी आ चुकी है और अभी हम इसको ओपन कर लेते हैं। अभी हम अपने दोस्तों को दिखाते हैं गर्मा गर्म पुलाव। वाओ, क्या मजेदार पुलाव है। हरा धनिया आप ये देख सकते हो, इस पे है, हमने डाला है बारीक बारीक हरा धनिया, और ये अब है रेडी खाने के लिए। गाइस, दिस इज फॉर यू, ये कशिश की तरफ से आप सभी लोगों को मटर पुलाव की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ भी बनता है ना, मटर पुलाव की हार्दिक शुभकामनाएं। दौज हो गया, दिवाली हो गई, छोटी दिवाली हो गई, धनतेरस हो गया, मटर पुलाव रहे। आफ्टर भैया दूज हम बना सकते हैं मटर पुलाव की, बहुत बहुत बधाइयां हो आपको गाइस। इसे खाइए और खाके ढेर सारा प्यार लीजिए। इसको हम लेके चलते हैं दीदी के पास, रिस्पॉन्स देखते हैं दीदी को कैसा लगता है मटर पुलाव। हम ना कहेंगे, हम तो ईशा में तुम्हें नजर करेंगे सब जैसे। अब दीदी तो है नहीं गाइस, मैं क्या करूँ, लाओ मैं टेस्ट करूंगी ना इसको, कोई है ही नहीं गाइस, मैं टेस्ट करूंगी। तो गाइस ताने आ गई है, ताने को मैं थोड़ा टेस्ट करा देती हूँ, ताने बताएगी तो कि कैसा बना है। पहली बात तो इसमें घी नहीं है, ठीक है, घी नहीं है इसमें, एक्चुअली घी का ही तड़का लगाया इसमें। तुम्हारा रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं मेरे दोस्त, प्लीज बताओ उनको कैसा बना है। वाओ, इट्स टेस्टी। आ गई ना वहां पे, मैं बता रही हूँ ये बहुत ज्यादा टेस्टी है, और जितने भी मसाले हैं सब बैलेंस्ड हैं, और सबसे बड़ी बात इसमें सीरियसली तो मतलब ये ठीक है ना, पास है। हाँ, पास। तो गाइस, ताने ने कर दिया है पास ये, और मुझे नहीं पता दीदी इस टाइम कहाँ निकल गई है, आई थिंक वो अभी फ्रेंड के यहाँ निकल गई है, तो वो तो नहीं। चलिए तो तुम खाइए और अभी मैं मिलते हो, मैं थोड़ा गोलू की क्लास ले लेती हूँ। इसने बहुत बदतमीजी की है ना, बहुत बदतमीजी की है ना इसने। पुलाव बनाया था, थोड़ी देर में लेट गई थी, और अभी दीदी को हो रहा था हेडेक, एक्चुअली उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने उनकी बाम से मसाज की है, तो उन्होंने बोला कि सिस्टर हो तो ऐसी हो कि सारी सेवा पानी कर रही है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेवा करने से तो मेवा ही मिलती है। तो गाइस, मैंने बनाई है यहाँ पे गर्मा गर्म उनकी चाय, अभी मैं दीदी के लेके जा रही हूँ चाय, और इतनी डिलीशियस चाय है ना, कि इतनी टेस्टी चाय बनाई है ना मैंने, लाजवाब चाय बनाई है मैंने, कशिश के हाथों की चाय है ये, अभी मैं लेके जा रही हूँ दीदी के पास। चाय मैंने इलायची वाली और अदरक वाली चाय बनाई है, सो आप देख सकते हो।
चलते हैं दीदी के पास। टिन टिन टिन, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल, ये तुम्हारे लिए नहीं है, दिल में आया है इसीलिए आपकी सिस्टर ने आपके लिए चाय बनाई है। फोन कट कर दीजिए क्योंकि स्पेशल चाय आ चुकी है आपकी और मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि आप फोन पे बात करें, क्योंकि इतनी मेहनत से मैंने चाय बनाई है, जो भी है फोन पे प्लीज कट। अगर आज फोन कट नहीं हुआ ना तो जी फोन कट हो चुका है। और तो ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म चाय और आप बताओ मुझे चाय कैसी बनी है। थैंक यू कशिश, तुमने मेरे लिए चाय बनाई, वैसे भी मुझे तुम्हारे हाथ की चाय बहुत अच्छी लगी। अच्छा हाँ, आपको भी याद था? हाँ, मुझे भी याद था। गाइस सबसे पहले आप लीजिए चाय, ये शाम की टी है और कशिश ने बहुत अच्छी बनाई है, इसमें इलायची की दूर से ही खुशबू आ रही है। ये ये देखो लोग इतने बदतमीज हैं ये दोनों, यार आपने जुस्की ऐसी ली है, इतने एक्साइटेड हो गए आप। चाय बहुत अच्छी लाई, इलायची अदरक सब बराबर, सब अच्छा। चलिए गाइस, चाय पीने के बाद मैं सो गई थी और मैं अभी उठी हूँ। मैं ऐसा सोई हूँ कि मैं पता ही नहीं, मुझे मैं अपने घर पे कभी नहीं सोती हूँ आफ्टरनून में, शाम को मैं कभी नहीं सोती हूँ अपने घर पे, कभी नहीं सोती हूँ। लेकिन यहाँ पे दीदी को चाय पिलाने के बाद और खुद चाय पीने के बाद मुझे नहीं मालूम मुझे चाय पीने के बाद क्या हुआ, मैं सो गई थी। मैं कुछ चाय चाहिए दीदी, हम तो अगेन चाय बना दो। चाय मैंने ले ली है और नाइट भी होने वाली है तो, और ताने की रिक्वेस्ट है मुझसे और उसने मेरे को इतना परेशान किया हुआ है कि मुझे कटिंग करानी है। तो कोच नहीं करती ना ताना, ताने कटिंग के लिए कभी नहीं बोलती। अच्छा जी, हाँ सीरियसली झूठ नहीं बोलती। तानिया का फाइनली लुक कुछ इस टाइप से है, यू लाइक इट गाइस? अब तो हम गाइस आज दीदी को चप्पल लगाने वाली हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने बहुत काम कराया, हमने चाय बनवाई ना हमें, तो अभी आपका तो मेरे पास फटना है। गाइस हम लोग खाने वाले हैं क्या वो, मैं अपना कसम का बताती हूँ कि जैसे बर्गर आ चुके हैं हमारे, हमने बर्गर ऑर्डर किए थे, आप देख सकते हो बर्गर, आप लीजिए बर्गर का मजा और अभी आप खा लेते हैं। गाइस अभी हम आए हैं यहाँ पे पाव भाजी खाने के लिए, आप देख सकते हो तो बहुत ही फेमस है यहाँ की पाव भाजी और बहुत टेस्टी है। गाइस ये है हमारा देसी पिज़्ज़ा, आप देख सकते हो पिज़्ज़ा लोगों की कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ। और ये है बांके बिहारी का पिज़्ज़ा 199 में, देख सकते हो इन लोगों ने सुबह से खाना नहीं खाया और यहाँ पे ये पिज़्ज़ा का वेट कर रहे हैं और यहाँ पे सिलेंडर खत्म हो चुका है। न्यू सिलेंडर लगा हुआ है, लीक कर रहा है तो बहुत टाइम लगेगा, यहाँ पे पिज़्ज़ा क्रेज़ बना हुआ है लोगों का। मतलब कोई है नहीं, ज़्यादा क्राउड भी नहीं है, डर लग रहा है हम लोगों को। तो जी गाइस मैं घर आ चुकी हूँ, खाना खा लिया है, सब चीज़ हो गई, दीदी भी सोने चली गई है और अभी मैं आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, अगर ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को क्या क्या करना है आपको सब चीज़ें पता है। नेक्स्ट ब्लॉग के साथ कशिश आपको फिर से मिलेगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और सुबह वैसे भी मुझे अर्ली मॉर्निंग निकल, बाय, टेक केयर।